हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीएमए फाउंडेशन न्यू कोर्स 2022 जो न्यू सिलेबस आया है। एंड इस अकॉर्डिंग अगर आप न्यू सिलेबस में जाते हो, आपको फाउंडेशन में क्या क्या न्यू चेंजेस आई है, आपको फाउंडेशन के क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जैसे सारी वीडियोज की अपडेट आपको मिलते रहे। इसके अलावा आप cmarohanshrma.in पे आप विजिट कर सकते हो, जिसपे आपको काफी सारे अपडेट्स गाइडेंस आपको मिलते रहेगी टाइम टू टाइम। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो मेरे पास सीएमए इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है एंड ये प्रोस्पेक्टस 2022 सिलेबस के लिए है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एंड ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस है 2022 सिलेबस का। मैं वन बाय वन चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा एंड किस सब्जेक्ट की आपको क्लासेस लेनी चाहिए, या फिर आप इसको बाय सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो क्या कोई साइड बुक की जरूरत है या फिर कोई नोट्स आपको लेनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ पहले भी था बट फंडामेंटल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ये न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सिलेबस में। एंड कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज हमें कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है बींग ए सीएमए। जब आप सीएमए क्वालिफाई कर जाते हो तो सीएमए कोर्स में ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ चीजें आपको गाइडेंस के लिए हो, जिससे आप अपने कम्युनिकेशन आप इस इम्प्रूव कर सकते हो एंड आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बिकॉज आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग मैटर करता है। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। सो इसलिए इन्होंने एक न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो हम डिस्कस करते हैं एंड क्या आप इस सब्जेक्ट को बाय सेल्फ कर सकते हो या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट पेपर नंबर वन है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में आपके लॉ के सारे टॉपिक्स एंड सेकेंड पार्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो जो लॉ के टॉपिक्स है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको बाय सेल्फ करना चाहते हो तो मैं एक बुक आपको सजेशन में करूंगा, एनडी कपूर का लॉ की बुक आती है। वो बुक सिर्फ सीएमए के लिए नहीं आती, वो इंटायर सीएमए हो गया या फिर बीकॉम हो गया, आप किसी भी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल किसी भी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, ये बुक आपके लिए सफिशियंट हो सकता है। काफी मोटी बुक आती है, मैंने अपने टाइम में ये बुक को बाय किया था सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो आप इसकी लेटेस्ट एडिशन की बुक ले सकते हो, आई थिंक 500 या 600 इसकी कॉस्ट आ सकती है आपको। मेरे टाइम आई थिंक उसमें 400 या 500 के अप्रोक्स इस बुक की प्राइस थी, तो जिसमें आपको इंडियन कॉन्टेक्ट रेट काफी अच्छे से डिटेल्स में समझाया गया है। या फिर अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो आप क्लासेस भी ले सकते हो, बट लॉ का सब्जेक्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको समझने के लिए। बस प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मैट है वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो जो भी टॉपिक्स है आपके स्टडी मैट में वो सारे टॉपिक्स आप एनडी कपूर के बुक से आप पढ़ के और इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे। बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो बिजनेस कम्युनिकेशन भी एक क्रिटिकल टॉपिक है कि आपको कैसे मेल ड्राफ्ट करना चाहिए, आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आपको किस तरीके से कुछ अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखो, वो सारी टॉपिक्स आप इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ोगे। तो ये सब्जेक्ट है, इसके आप बाई सेल्फ कर सकते हो, मैंने रेफरेंस बुक आपको बता दिया है। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जहाँ पे आपको फ्री वीडियोज भी अवेलेबल है, जिस फ्री वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप क्लासेज लेना चाहते हो तो मेरे दिमाग में एक ही क्लासेज फिलहाल आ रहा है, वो दीपक क्लासेज है। दीपक क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन के लिए, तो आप वहां से आप क्लासेज भी इसकी लगा सकते हो। बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो फंडामेंटल ऑफ, ये इसके बारे में इन डिटेल्स में इन्होंने बताया है कि टॉपिक कंटेंट क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको एनडी कपूर के बुक में मिल जाएंगे। उनके बुक की खासियत ये है कि उन्होंने हर एक टॉपिक को काफी इजी लैंग्वेज में समझाया और उसके साथ साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, तो जिसकी वजह से आप इजिली आप टॉपिक्स को आप समझ सकते हो।
बाद हम बात करते हैं। देखो आप यहाँ पे देखोगे टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, रिटेन वर्बल नॉन वर्बल ये सारी है, डूज एंड डोंट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस ऑडियंस, ये काफी अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगा एंड आई थिंक ये आपको इंटायर सीए में काफी हेल्प करेगी ये टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो तो मैं 2016 सिलेबस एंड 2022 सिलेबस में दोनों में सेम ही है टॉपिक्स, लगभग 99% टॉपिक सेम है, पॉइंट समथिंग परसेंट का डिफरेंस हो तो हो सकता है। सो यहाँ पे भी इन्होंने पहले भी आपकी कॉस्टिंग वहाँ पे भी 30 मार्क्स की थी और यहाँ पे भी 30 मार्क्स की है, और 70 मार्क्स आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। तो आप यहाँ पे अगर आपने 11th 12th में ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट पढ़ा है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इस सब्जेक्ट को भी आप इजीली आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे आपके फर्स्ट 3 टॉपिक्स है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एंड जो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये न्यू टॉपिक है, इसके ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है पूरी 2016 सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस 2022 सिलेबस अब हो चुका है, पहले 2016 था, बाकी टॉपिक सेम है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो आप सबने जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर, फाइनल अकाउंट ये सब, उसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी 11th 12th में, तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी रिपीटेड है। एंड अगर आप इसके लिए कोई सेल्फ बुक चाहते हो तो आप हनीफ एंड मुखर्जी की आप बुक ले सकते हो, उनके 2 वॉल्यूम आते हैं जो आपको सीएमए फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल तीनों लेवल पे ही आपको काफी हेल्प करेगी हनीफ एंड मुखर्जी की बुक, जिसको आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सिर्फ कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर ऐसा 2 टॉपिक है जो आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा होगा, बाकी इसके अलावा और भी ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं होगा जो आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा होगा। तो आपको करना क्या है, 11th 12th की अपनी बुक रेफर करनी है, साथ में सीएमए फाउंडेशन की बुक रेफर करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। इस ये सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एडवांस लेवल में नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके हम सारी वीडियोज को आप देख सकते हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारी जस्ट पेपर 3, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। देखो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आपने मैथ ऑप्शनल में नहीं लिया था अपने 11th 12th में, तो इस सब्जेक्ट की आपको डेफिनेटली क्लासेस लगानी चाहिए, बिकॉज मैं खुद जब मैं फाउंडेशन में था तो मुझे मैथ का ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था, मेरे पास एक्स्ट्रा में मैंने मैथ नहीं लिया था 11th 12th में, एंड मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा इसमें डर लगता था। तो मैंने इसकी क्लासेस लगाई अपने फ्रेंड के साथ, मैंने काफी ज्यादा उससे मैंने हेल्प लिया, सपोर्ट लिया, एंड इस सब्जेक्ट को मैंने क्लियर किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट की आप डेफिनेटली क्लासेस लेना। बुक की बात करो तो बुक इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, लेकिन हाँ पहले सीपीटी का बुक आता था, जो जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने सीपीटी का बुक यूज किया था, जो एस चंद की आती थी, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की, तो मैंने वो बुक रेफर किया था। बट अब मुझे अभी ये आइडिया नहीं है कि सीपीटी से हमारा सिलेबस मैथ का मैच करता है या नहीं करता है, उनमें अभी मैथ है या नहीं, तो इस केस में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप किसी फैकल्टी की क्लासेस लगा लो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और मैथ आपका ऑप्शनल नहीं था। अगर आपने ऑलरेडी 11th 12th में मैथ काफी अच्छे से पढ़ा है तो आप अपने 11th 12th के मैथ के बुक को रेफर करो और साथ में स्टडी मैट को रेफर करो, सफिशियंट है, आप इसको क्रैक कर लोगे। यहाँ पे आपको एलजेब्रा पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है, एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है देखो कैलकुलस से, कैलकुलस तो मुझे कभी समझ नहीं आया, एंड इसके अलावा जो आपको पढ़ना है पूरा स्टैटिक्स पढ़ना है, तो स्टैटिक्स मैंने फोकस किया था स्टैटिक्स के ऊपर, बिकॉज स्टैटिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था और इजीली हो जाता है स्टैटिक्स, तो मैंने स्टैटिक्स को काफी ज्यादा फोकस किया, कैलकुलस छोड़ के मैंने सब कुछ मैंने कंप्लीट किया था। लास्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे भी मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने 11th 12th में अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था एंड इसके अलावा आपने अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, तो ये इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडीज का कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के सब्जेक्ट बनाई गई है। इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है, डिमांड सप्लाई ये प्रोडक्शन सब कुछ, वही सब कुछ है जो आपने 11th 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। एक दो टॉपिक हो सकते हैं जो आपके पास न्यू हो, तो आप स्टडी मैट को रेफर करोगे तो आपका हो जाएगा। एंड फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में भी सेम है, जो आपने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, प्लानिंग के बारे में पढ़ा होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। मनी एंड बैंकिंग हो गया, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इतना ही है। अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड लीडिंग, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग लीडरशिप एंड मोटिवेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में आपको पता है थोड़ा बहुत डायग्राम है एंड थोड़े प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं डिमांड सप्लाई तक, उसके बाद वो भी पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड ही है, ये भी आपका पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें आप यही कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोज देखो एंड आप इन सबको बाय सेल्फ करो। मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको क्लासेस लगानी चाहिए मैथ की, एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप अकाउंट की क्लासेस लगा सकते हो। बाय सेल्फ करना है तो हनीफ एंड मुखर्जी अकाउंट के लिए है एंड एनडी कपूर लॉ के लिए है, इन इन दो रेफर किया है। बाकी आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट आपको रेफर करना है, लास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस एमटीपी ये सब कुछ आपको बनाना है। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप स्टूडेंट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। सो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे। बाय।